कोलारस थाना क्षेत्र में 21 अक्टूबर को कोलारस गल्ला व्यापारी के मुनीम सफी मंसूरी से हुई 3 लाख की लूट की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने घटना में शामिल 4 आरोपियों पर इनाम रखा था। घटना के बाद कोलारस SDOP अमरनाथ वर्मा के मार्गदर्शन में कोलारस थाना प्रभारी आलोक वर्मा, SI योगेंद्र सेंगर सहित पुलिस बल ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को 19 नवंबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक आरोपी फरार था जिसकी तलाश की जा रही थी। इस दौरान मंगलवार को मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि घटना में शामिल आरोपी गुना में है, जिस पर बताए गए स्थान से आरोपी को कोलारस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 46,000 रुपए और घटना में शामिल हीरो HF डिलक्स बाइक बरामद कर ली। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी आलोक भदौरिया सहित पूरी टीम की मुख्य भूमिका रही। कोलारस से इमरान अली की रिपोर्ट। सर, जो 2 लूट के आरोपी पकड़े हैं, क्या मामला है पूरा? सर, कौन लोग हैं जो? ये अभी 21 अक्टूबर को एक घटना हुई थी मंडी गेट के सामने। फरियादी सफी अहमद मुनीम थे, ये इनको कुछ अज्ञात लोगों ने टक्कर मार के रुपयों का बैग लूट लिया था, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए की राशि उनके द्वारा बताई गई थी, जिसमें 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। उनसे 1,05,000 रुपए बरामद किए जा चुके थे एवं घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल अपाचे तथा जो उनके बैग में सामान था वो भी बरामद किया था। अभी कल सूचना मिली थी कि उसके शेष आरोपी जो 3 बचे थे उनमें गुनाह में देखे गए हैं, तो टीम रवाना की थी। उसमें से 2 आरोपी को कल पुनः गिरफ्तार किया है और उनके पास से घटना के उनके हिस्से में जो राशि मिली थी 46,000 रुपए उनसे भी बरामद किए हैं, जिनको गिरफ्तार कर आज जीआर पर पेश किया गया। सर, और क्या इनके साथ बरामद किया गया है? इनके एक मोटरसाइकिल और जो दूसरी घटना में प्रयुक्त हुई थी CD डीलक्स गाड़ी थी, वो भी उनसे आज बरामद हुई है और एक पहले अपाचे गाड़ी पहले बरामद हुई। इनके हिस्से में सर कुल कितने रुपए आए थे दोनों के? इनके हिस्से में 46,000 रुपए इन्होंने बरामद कराए और करीबन 20,000 रुपए इनके द्वारा खर्च करना बताया है, जो कहीं पार्टी शराब और कपड़े वपड़े में। सर, इनसे पूछताछ में बताया क्या उद्देश्य रहा इनका लूट का? क्या उद्देश्य उनका? वही है कि कोई काम वाम करते नहीं है, बिजनेस है नहीं, धंधा पानी है नहीं, तो अपने शौक पूरे करने के लिए उनके द्वारा ये इस तरह की घटना की है। अभी कितने लोग और इसमें बदमाश हैं? एक बदमाश और फरार है जिसके लिए भी तलाश कर रहे हैं, शीघ्र उसको भी गिरफ्तार करेंगे। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।